खंडवा जिले के मांधाता से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मांधाता की जनता बहुत नाराज हुई। इसी नाराजगी को देखते हुए मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने अपने मन की बात रखने के लिए मुंदी पहुंचे। यादव ने जनता का आभार मानते हुए कहा कि तुमने तो भरोसा हम पर हमारी कांग्रेस पार्टी पर किया था, एक प्रतिनिधि चुनकर हमने मांधाता से भेजा था, जो गलती नारायण पटेल ने की है वो माफी करने लायक नहीं है। वहीं उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोसते हुए अरुण यादव ने कहा कि जिनको हमारे सर पर बिठा के रखा था उन्होंने बीजेपी में जाने की शुरुआत की है। मांधाता के इतिहास में पहली बार इस तरीके का काम कोई जनप्रतिनिधि ने किया है, आगे संघर्ष बड़ा है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार गिराने का कर्ता धर्ता भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही हैं। मोदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, और उसी संदर्भ में आपने देखा होगा, चाहे वो कर्नाटक की निर्वाचित सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की एक निर्वाचित सरकार हो, चाहे राजस्थान की निर्वाचित सरकार हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में कई सरकारें हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, और विशेष रूप से जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की निर्वाचित सरकारें हैं, उन सरकारों को खरीद फरोख्त करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, बेईमानी करके सरकार गिराने का काम किया जा रहा है, और इसका कर्ता धर्ता और कोई नहीं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार हमने बनाई, और वो सरकार समूचे प्रदेश में प्रदेश का विकास करने का काम कर रहे थे, चाहे वो हमारा प्रदेश का अन्नदाता हो जिसकी कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे प्रदेश के हमारे दलित आदिवासी बेरोजगार नौजवान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे युवा हो, हर वर्ग का विकास करने का काम प्रदेश की एक निर्वाचित सरकार, वो सरकार जिसको प्रदेश की जनता ने चुनकर 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंक कर कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाई, और वो सरकार अपना काम मध्य प्रदेश में कर रही थी, और समूचे प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्येक सद्भावना जनता के मन में उजागर होने लगी। 15 महीने में हमने विकास किया, और जिस तरह कर्नाटक में किया गया वैसा ही मध्य प्रदेश में दोहराया गया। सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी के सिरमौर बने फिरते थे देश भर में, उन्होंने अपने कुछ विधायक साथियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में साथ घाट करके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया। वही चलता रहा, उसको आगे बढ़ाते उन्होंने, चाहे वो मांधाता के निर्वाचित विधायक हों, चाहे नेपाल नगर के विधायक हों, और पूरे प्रदेश भर में 27 जगह इस तरह के कृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किए गए, बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त की गई, मनी ट्रैप में प्रदेश के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को फंसाने का काम किया गया, और वैसा ही मांधाता में आपने देखा हुआ है। मैं स्पष्ट आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मुझे बेहद कष्ट है, पीड़ा है कि एक जनप्रतिनिधि को जिसे 15 साल के संघर्ष करने के बाद हमारे मांधाताओं, नेपाल नगर के हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनकर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भोपाल की विधानसभा में भेजा, उनके द्वारा ये कृत्य, घिनौना कृत्य किया गया, और आज समूचा हमारा कांग्रेस का हमारा कार्यकर्ता मांधाता की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जो प्रकरण है, जो घटनाक्रम है, सारे प्रेस के साथियों के सामने हैं, मैं अधिक उस पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये मैं कहना जरूर चाहता हूं आपके सामने से कि जो कृत्य समूचे प्रदेश मांधाता नेपाल नगर और अन्य विधानसभाओं में प्रदेश की हुआ है, उसका हिसाब किताब हम उस क्षेत्र की जनता के साथ में मिलकर पुनः भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाकर हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि को चुनकर प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार पुनः हम यहाँ बनाएंगे और प्रदेश का विकास करेंगे।
अगला चुनाव आप लड़ेंगे मानदाता से? मानदाता से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे तो प्रदेश की 10 सीटों से ऑफर किए जा रहे हैं मेरी पार्टी के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन मानदाता में जो हमारी पार्टी तय करेगी और समूचे प्रदेश में भी जो माननीय कमलनाथ जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य वरिष्ठ नेता जो तय करेंगे वो हमारा उम्मीदवार होगा और हम सब लोग मिलकर जुटकर उस उम्मीदवार को ऐसे जिताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।